तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि हम BCCI के रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से ये मिलते हैं और इन्हें भरने का सही तरीका क्या है। तो गाइस मैं बताऊंगा आपको सारे स्टेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए। तो गाइस अगर आप स्किप करोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो गाइस बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो अगर आप हमारे चैनल की जानकारी अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा UPCA के रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बिहार क्रिकेट बोर्ड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राजस्थान के क्रिकेट बोर्ड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म और भी बहुत स्टेट के। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हमें ये फॉर्म मिल सकता है। तो गाइस जैसे कि हम अपने स्टेट के क्रिकेट बोर्ड को सर्च करेंगे, जैसे कि UPCA यानी कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, तो हमने उसके साथ ये लिख देना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको ये ऐसा फॉर्म दिखेगा। तो गाइस यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर आपके स्टेट का जो लोगो लगा होना चाहिए और ऐसा फॉर्म आपको दिखना चाहिए, तो तभी ये ओरिजिनल फॉर्म है, आप दूसरा फॉर्म कोई भी सिलेक्ट ना करें। तो गाइस ऐसे ही सेम सारे जो और भी स्टेट है जैसे कि बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आपको ऐसे ही सभी स्टेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएंगे। और आपको यही ध्यान रखना है कि ऊपर आपके स्टेट का नाम लिखा हो और जो ऑफिशियल स्टेट का जो लोगो है वो लगा होना चाहिए, चाहे तो BCCI का भी लोगो लगा होना चाहिए। तो गाइस अब बात करते हैं कि इनको फिल कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर बहुत सारी गलतियां करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में। तो गाइस ध्यान से देखना तो कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे। तो गाइस आपको जो ऐसा फॉर्म दिखेगा तो आपने उस पर सही सही से जैसे जैसे लिखा ध्यान से पढ़ के उसको फिल करना है, ना कि किसी जल्दबाजी में, क्योंकि गाइस जो आप यहां पर लिखोगे वही सबमिट होगा और वही जो स्टेट के जो क्रिकेट एसोसिएशन है उनको दिखेगा। तो इसको ध्यान से फिल करें, चाहे आपको थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन फिल ध्यान से जरूर करें। और गाइस कैटेगरी तो अच्छे तरीके से जरूर भरें, क्योंकि गाइस आजकल T20 के जमाने में बहुत सारे प्लेयर ये गलती करते हैं कि उन्हें ऑलराउंडर बनना है और वो ऑलराउंडर पर क्लिक करते हैं, लेकिन वो बैटिंग में या बॉलिंग में अच्छे होते हैं किसी खास फील्ड में, लेकिन वो क्लिक करते हैं ऑलराउंडर पे। ऐसा नहीं है कि आप ऑलराउंडर पे क्लिक ना करें, लेकिन ऑलराउंडर के सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, क्योंकि गाइस सिर्फ एक टीम में सिर्फ दो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा परसेंटेज कम हो जाती है सिलेक्ट होने की। तो पहले गाइस आप टीम में एज ए बॉलर या बल्लेबाज जगह बनाएं, उसके बाद आप वहां पर बता सकते हैं कैप्टन को या कोच को कि मैं ऑलराउंडर भी हूं और अच्छी बॉलिंग या बैटिंग भी कर लेता हूं। तो आप अगर ऑलराउंडर पर क्लिक करना ऑप्शनली है, आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि गाइस ऐसा हो सकता है कि आप सेलेक्ट ना हो, और आप ये गलती बिल्कुल ना करें, ध्यान से उसको पढ़ के फिल करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरी वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में मैं सभी स्टेट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं बता पाया, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती अगर मैं सभी स्टेट के बताता। अगर गाइस आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें कि आप कौन से स्टेट से हो, मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट बना दूंगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो।